हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ फिश फ्राई। देखिए कैसे चमक रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है और देखकर बहुत ही मुंह में पानी आ रहा है। झटपट रेसिपी बताऊंगी, चटपटी भी होगी, टेस्टी भी होगी, क्रिस्पी भी होगी, हेल्दी भी होगी और आपको बनाने और खाने दोनों में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये बोंबिल फ्राई बनाना, जिसे बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ 5 या 10 मिनट लगेंगे। नमस्कार, मैं हूँ सीके। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले आपको इस फिश को बहुत अच्छी तरीके से धो लेना है। मैंने भी धोकर अच्छे से साफ कर लिया है और साफ करने के बाद मैंने इसमें थोड़े थोड़े कट्स लगा दिए हैं ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये अंदर तक फ्राई भी हो जाए और जो भी मैरिनेशन के लिए हम मसाले इस्तेमाल करने वाले हैं वो फिश के अंदर बहुत अच्छे तरीके से रच जाए। टुकड़े मैंने काट कर थोड़े से छोटे कर लिए ताकि आसानी हो। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ चावल का आटा, ये करीब 1/4 कप चावल का आटा है। इसमें मैं डाल रही हूँ ये लाल मिर्च का पाउडर। इस लाल मिर्च के पाउडर में दूसरे सूखे मसाले भी हैं। इसी के साथ कुछ और मसाले इसके अंदर जाएंगे। थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है। अगर आप चावल का आटा नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो और ऑप्शन में कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। साथ में यहाँ पर धनिया पाउडर जा रहा है या फिर कोई भी गर्म मसाला और स्वाद अनुसार नमक। इन सारी चीज़ों को हम करेंगे मिक्स। अगर आपको थोड़ी सी खटास पसंद है तो आप इसमें इमली का पानी डाल सकते हैं या आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं। क्रिस्पी टेस्ट आने के लिए इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया है बेसन। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है पर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। जिसको नहीं आती है ये फिश फ्राई बनाना तो इस रेसिपी से ट्राई करिए, बनाने में भी मज़ा आएगा और खाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। चम्मच से मिक्स मत कीजिए, हाथों से मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स होगा। अब फिश जो ऊपर से थोड़ी थोड़ी तो धोई है इसलिए गीली है तो बहुत ही आसानी से ये पाउडर जो है उसके ऊपर चिपक जाएगा। आप एक एक करके सारे टुकड़े इस तरीके से ले लीजिए और जिस प्लेट में आपने ये पाउडर मसाला तैयार किया है उसमें इस तरीके से आपको सारे फिश पर मसाला लगा लेना है। मसाला बिल्कुल ड्राई है लेकिन फिर भी अच्छे तरीके से चिपक रहा है क्योंकि हमारे फिश के जो पीसेस थे उनमें थोड़ा सा मॉइस्चर था। देखिए, जो मैंने टुकड़ा साइड में रखा है उसमें कट भी नज़र आ रहा है। कट हम इसलिए लगाते हैं ताकि मसाला अंदर भी चला जाए और फिश अच्छे से मैरिनेट भी हो और प्लस बहुत अच्छे से ये बन भी जाए। तो चलिए इसी तरीके से एक एक करके इन सारी टुकड़ों को मैं लगा लूँगी मसाला और फिर तैयारी करेंगे हम फ्राई करने की। जो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप और कौन सी चीज़ इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो है रवा, यानी कि सूजी जिसे कहते हैं। उसे यूज़ कर सकते हैं चावल के आटे की जगह या फिर कॉर्नफ्लावर यूज़ कर सकते हैं या फिर सिर्फ बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन में तेल ले लिया है। ये मेरा नॉनस्टिक फ्राइंग पैन है, आप चाहें तो सादा वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तेल जैसे ही गर्म होता है इसमें मैंने क्रश किया हुआ थोड़ा सा लहसुन डाला, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपको लहसुन नहीं डालना है तो आप सीधा सीधा इसमें डायरेक्ट फिश को भी फ्राई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आप चावल के आटे की जगह यहाँ पे रवा यूज़ कर सकते हैं, सूजी, कॉर्नफ्लावर यूज़ कर सकते हैं, बेसन यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ है वो है ब्रेड क्रम्स, आप चाहें तो इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा के भी इसे शैलो फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे पैन के ऊपर आप एक एक करके स्प्रेड कर लीजिए सारे पीसेस को। यहाँ पे मीडियम या फिर लो पर ही आपको पकाना है ताकि फिश बहुत अच्छी तरीके से अंदर तक पक जाए। अगर आपने हाई फ्लेम रखा तो फिश जो है ऊपर से जल्दी से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। हमें वैसी बिल्कुल नहीं बनानी है, ऐसी बनानी है कि बहुत ही टेंडर टेस्टी बने और अंदर तक ये पक जाए। इसलिए आप बिल्कुल लो फ्लेम पर एक एक करके ये सारे पीसेस रख दीजिए। अब इसे ढकना नहीं है, तसल्ली से एक तरफ से अच्छी तरीके से पकने दीजिए। जब ये पक जाएगा तब हम इसे करेंगे पलटी। करीब 4-5 मिनट के बाद ये एक तरफ से बहुत अच्छी तरीके से पक गया है। अब किसी भी स्पैटुला के हेल्प से हम इसे करेंगे पलटी। आप चाहें तो चिमटे का भी इस्तेमाल कर लें। अगर आपको स्पैटुला से इजी लगता है तो इससे कर लें, वरना आप चिमटे से इसे पकड़ पकड़ कर इस तरीके से पलटी कर लीजिए। अब कुछ लोगों को ये फ्राई फिश बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है और कुछ लोग को थोड़ी सी सॉफ्ट पसंद है, तो आप अपनी पसंद के हिसाब से चाहें तो इसे ज़्यादा देर के लिए फ्राई कर सकते हैं ताकि क्रिस्पी हो जाए इसकी ऊपर की लेयर, या फिर अगर आपको थोड़ी सी सॉफ्ट पसंद है तो आप इसे कम टाइम दे सकते हैं। चलिए, सारे पीसेस हो गए हैं पलटी और इसे देते हैं थोड़ा सा टाइम ताकि अच्छे से हो जाए क्रिस्पी और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आए।
देखने में कितनी टेम्पटिंग लग रही है, मन लग रहा है कि अभी मैं इसे निकाल कर खा लूं, बट ये फिलहाल अभी कच्ची है एक तरफ से, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। तो करीब 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी फिश देखिए कितनी बढ़िया, कितनी टेम्पटिंग, कितनी खूबसूरत लग रही है। इसी तरीके से आप भी ट्राई कीजिए ये झटपट इजी रेसिपी और बनाइए बोंबिल फ्राई फिश। आई होप फ्रेंड्स आपको रेसिपी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें।